हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। I just want to know, because you are Prime Minister now, because, I mean, Imran Khan, he was a cricketer. What do you want to win Asia Cup to gift him? बहुत अच्छी चीज़ होगी कि अगर हम एशिया कप जीते हैं एंड रिगार्डिंग दैट कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के भी विनर्स हैं तो अच्छा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से इट्स नॉट अबाउट इमरान खान, इट्स नॉट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, इट्स अबाउट कि हमारी नेशन में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक है। तो हमेशा जब भी हम इस तरह जीते हैं, इट्स नॉट अबाउट एशिया कप, कोई भी सीरीज जीते हैं तो उसको बहुत अच्छे से नेशन को सेलिब्रेट करने का मौका। प्रैक्टिस सेशन हुआ, ओवरऑल किस तरह की परफॉर्मेंस नेट्स पर जा रही है और इंडिया के मैच को लेकर देख के कैसी प्रिपरेशन सोची है? सर, प्रिपरेशन तो हम आपको पता है, जैसे हमारा कैंप 3-4 तारीख से लगा हुआ है और हम काबुल में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट फिटनेस एज वेल। और काफ़ी गर्मी लाहौर में भी पड़ रही थी, तो बाकी परफॉर्मेंसेस की बात रही तो उसके बाद प्रैक्टिस मैच में 70 नॉट आउट किया था, तो और काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट की तरफ से पैक हो रहा है। और बाकी मैच के लिए सिर्फ हमारा, हम हांगकॉन्ग को नोट कर रहे हैं क्योंकि हमारा पहला मैच हांगकॉन्ग से, उसके बाद जिससे मैच होगा मैच टू मैच खेलेंगे। इट्स नॉट अबाउट इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश, जो भी टीम हमें, हम उसको मैच टू मैच प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब हमारा जो फोकस है वो पहले मैच पे, बिकॉज हांगकॉन्ग है, हम उस पर फोकस करें। और कोई प्रेशर नहीं है किसी लिहाज से? इंडिया से बड़ा मैच हम हमेशा ही होता है, मीडिया हाइप भी होती है और सवाल भी अपने पूछे जाते हैं। सर जाहिर है, ओपनर भी जा सकते खेलेंगे, बताओ। जी जी सर, आप देखें सर, इंडिया से खेले, मैंने आपको पहले बताया कि अभी सिर्फ हमारा फोकस हांगकॉन्ग पे है। इंडिया पाकिस्तान प्रेशर मैच होता है, सबको पता है, और मेरे लिए ये सारे मैच एक जैसे के होते हैं। चाहे मैं हांगकॉन्ग से खेलूँगा, ऐसा नहीं है कि मेरा हांगकॉन्ग से के तो आई विल बी वेरी रिलैक्स, मेरा प्रेशर लेवल उतना ही होगा जितना इंडिया के अगेंस्ट या हांगकॉन्ग के अगेंस्ट होगा। तो मेरे लिए सारी गेम्स एक इक्वली मैच होते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंडियन टीम के साथ पहली बार मुकाबला होगा, किस तरीके से पाकिस्तान टीम इंडियन साइड को ले रही है? बिकॉज विराट नहीं होंगे इस बार, रोहित को कैप्टनशिप दी गई है, तो उसको कैसे प्लान कर रहे हैं आप? देखें, जो भी इंडिया इज़ अ वेरी गुड टीम, और मेरे ख्याल से विराट नहीं है तो उन पर फ़र्क तो पड़ेगा, और हम सिर्फ लेकिन उनकी इंडिया के उसके बगैर भी काफ़ी अच्छी बैटिंग साइड्स है, और इट्स वेरी सिमिलर टू द इंडियन विकेट्स, दुबई की विकेट्स काफ़ी सिमिलर है, खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया के लिए, बिकॉज हम यहाँ पर खेलते रहते हैं। तो लेकिन हम उनका कुछ ऐसा सोचा नहीं है, जस्ट वॉन्ट टू प्ले एन एग्रेसिव क्रिकेट, जो हमें सिखाया गया है, जो हम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर हम आप हमारी स्पेशली परफॉर्मेंसेज देखें, इट्स वेरी गुड। तो हम सिर्फ उसी को एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ, बी फ्रीली पॉजिटिव माइंड के साथ इंशाल्लाह खेलेंगे और देखेंगे कि इंशाल्लाह अच्छा मैच हो। आपको लगता है कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एज है पाकिस्तान के लिए? चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे और इंग्लैंड की टूर में पाकिस्तान डिड फार बेटर देन व्हाट इंडिया डिड, एटलीस्ट एज़ द स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर्स आर कंसर्न्ड। तो इसके मुताबिक आपको लगता है कि पाकिस्तान साइकोलॉजिकली हैज़ दैट एज व्हेन द प्लेयर गोज आउट देयर दैट वी हैव डन इट एंड वी हैव टू डू इट? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, क्योंकि इट्स ऑलवेज़ अबाउट पाकिस्तान इंडिया मैच जब आता है तो उसमें सारे नर्व्स सारे कंट्रोल करने पड़ते हैं, सब चीज़ें आपके आपके अगेंस्ट भी जा सकती हैं, आपके सपोर्टिव में भी जा सकती हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो क्या है। वो एक गेम ऐसा होता है कि आप एट द डे ऑन द डे कैसे परफॉर्म करते हैं, तो जो वो फिर मैटर करता है कि ऑन द डे आप कैसे परफॉर्म करते हैं। इंडिया इज़ अ वेरी गुड साइड और पाकिस्तान, वी बोथ आर वेरी गुड साइड, सो Going to the World Cup, it's gonna be a good match, और सिर्फ मैच को फोकस। यहाँ इतना युवा कौन जैसा बनना चाहता है? हाँ, देखें सर, आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट इमाम उल हक, टू बी ऑनेस्ट विद मी क्लियर दैट, येस ही इज़ माई अंकल एंड इट्स नॉट माई फॉल्ट, एंड द थिंग इज येस ही हैज़ डन एंड अ लॉट ऑफ विद यू नो विद हेल्प ऑफ परफॉर्मेंसेज, एंड येस देर इज़ अ प्रेशर, आई वॉन्ट लाई दैट के बहुत प्रेशर होता है, स्पेशली पाकिस्तान का मीडिया इज़ लाइक आई नो वेरी वेल एंड यू गाइस यू आर द वन, ठीक है, तो वो उसमें मुझे काफ़ी कुछ यू नो टॉलरेट भी करना पड़ता है, बट नाउ आई एम यूज टू इट। फिर से मैं कहूँगा कि मेरे कुछ लोग ऐसे हैं एंड मेरी फैमिली में जिस बिलोंग मैं करता हूँ, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लोग आसपास मुझे सपोर्ट इतना अच्छा करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आई नो हाउ टू टैकल यू नो द मीडिया एंड ऑल दैट स्टफ़। फिर देखें, 9 matches 400 इंटरनेशनल सेंचुरीज, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट अच्छा हुआ है, और वो सिर्फ उसका जो क्रेडिट जाता है मेरी फैमिली को जाता है, द वे दे हैव सपोर्ट मी और द मैनेजमेंट को जाता कि यू नो द दे शो अ लॉट ऑफ ट्रस्ट, एंड जब भी मेरी मिकी से बात होती है या जब सीनियर प्लेयर से आती है तो दे हैव शोन द ट्रस्ट इन मी। तो फिर मीडिया मेरे लिए मैटर कभी नहीं किया सिवाय यू नो जब मैं आया था श्रीलंका से इधर लास्ट ईयर, इसी यू नो इसी यही कोई महीना था सितंबर अक्टूबर, तो बहुत सारी जो है ये वो हुई थी, लेकिन यू नो इट वॉज न्यू टू दैट यू नो, बट नाउ आई एम रियली मेच्योर नाउ बिकॉज इट्स बीन ईयर इन द टीम, तो काफ़ी कुछ मैंने सीख लिया है और काफ़ी कुछ मेरे से मीडिया
क्योंकि हमें इतना फर्क नहीं पड़ता. हाँ तो मुझे कोई मसला नहीं है. आई हैव माई बैट एंड देर इज अ ग्राउंड एंड आई वॉन्ट टू परफॉर्म दैट. आप उनकी तरह सोते हैं? प्लीज एनफ सर. आप उनकी तरह सोते हैं? उनको सोने का बहुत शौक था. लास्ट क्वेश्चन जी सर. ही लव टू स्लीप एनीवेयर एंड एवरीवेयर. आई नो इट बिकॉज़ आई कवर्ड इन दोस डेज. आप सोए होंगे? बिल्कुल. डू यू लाइक इट? डू यू लाइक इट? आई लाइक टू स्लीप एज़ वेल.